स्टार्टिंग में हमें हॉकिंग सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक साइंस लैब के अंदर एक साइंटिस्ट को भागता हुआ देखते हैं। ये साइंटिस्ट डर के मारे आगे की तरफ भाग रहा है और कोशिश कर रहा है कि लिफ्ट जल्दी से जल्दी खुल जाए। आखिर कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो कि साइंटिस्ट का पीछा कर रही थी। दरवाजा खुलता है, साइंटिस्ट अंदर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई अननोन एंटिटी उस साइंटिस्ट को वहीं पे जान से मार डालती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइक के घर में। ये चार बच्चों का ग्रुप है, बाकी तीन बच्चों का नाम डस्टिन, ल्यूकस और विल है। इन चारों ने अपने बोर्ड गेम बनाने में बहुत टाइम लगाया था और ये पिछले 10 घंटे से इसी गेम को कंटिन्यू कर रहे थे। डैम गॉड का अटैक और फायरवॉल से प्रोटेक्ट करने की चीजें आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी यहाँ पे माइक की माँ उसे बुलाती हैं और गेम को फटाफट फिनिश करने के बारे में कहती हैं। माइक कहता है कि हमें थोड़ी देर और खेलने दीजिए, लेकिन माइक की माँ बिल्कुल बात नहीं सुनती। ये सभी अपने गेम को आधा रोक कर अपने अपने घर जाने लगते हैं। ल्यूकस वहाँ से निकल जाता है, जबकि विल और डस्टिन आपस में साथ साथ जा रहे थे। तभी डस्टिन और विल आपस में रेस लगाने लगते हैं और विल वहाँ से आगे निकल जाता है। घर जाने से पहले विल के साइकिल में लगी हेडलाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगती है और एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। तब विल को अपनी आंखों के सामने वही एक अननोन एंटिटी दिखाई देती है, जिसके बाद डर के मारे विल की साइकिल अनकंट्रोल होकर सीधा फॉरेस्ट में चली जाती है। विल अपनी साइकिल वहीं छोड़ के अपने घर की तरफ भागने लगता है। हमें पता चलता है कि विल के घर इस टाइम कोई नहीं है। विल की फैमिली में उसकी मॉम है और साथ ही साथ उसका एक बड़ा भाई है, लेकिन घर में कोई नहीं होने से वो फोन लगाने लगता है। फोन के अंदर भी अलग अलग सी आवाजें आने लगती हैं और विल अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसके घर के दरवाजे को किसी ने खोल दिया है। विल फिर अपने बैकयार्ड की तरफ भागता है, जहाँ पर वो फटाफट से गन को लोड करने की कोशिश करता है। विल गन को लोड करके बिल्कुल अटेंट मोड में खड़ा हो जाता है कि शायद वो किसी को शूट भी कर देता, लेकिन तभी वहाँ का बल्ब काफी ज्यादा रोशनी के साथ जलने लगता है। हमें ये भी पता चलता है कि विल जब सामने गन करके खड़ा था, लेकिन उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे कोई अटैक करने के लिए आया था, और एक ही सेकंड के अंदर विल वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसे किसी ने मार दिया है या फिर वो कहीं गायब हो गया है, ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे आगे पता चलेंगी। विल की मॉम रोज सुबह जॉगिंग पे जाया करती थी, इसी कारण वो अपने बेटे जोनाथन को कहती है कि जल्दी से अपने छोटे भाई विल को उठाओ, क्योंकि उसे भी स्कूल जाना होगा। जोनाथन कहता है कि वो अभी तक उठ के क्यों नहीं आया, जरूर अपने कमरे में होगा। विल की मॉम, जिनका नाम जॉयस था, वो कहती है कि कमरे में होगा, इसका क्या मतलब है, वो रात में घर तो आया था ना। जोनाथन कहता है हाँ, वो जरूर आया होगा। जोनाथन की बातों से पता चलता है कि जोनाथन रात को घर पे ही नहीं था। इसी कारण जॉयस भड़क जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों एक साथ नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते। विल का पीछे से ध्यान रखना होता है, अगर वो आकर रात में घर नहीं आया तो फिर वो कहाँ गया। जोनाथन बताता है कि वो पूरे दिन अपने दोस्त माइक के घर पे था। यहाँ जॉयस माइक के घर पे कॉल करती है, लेकिन माइक की मॉम जॉयस को कहती है कि विल तो रात को 8 बजे के आसपास ही चला गया था, क्या वो घर नहीं पहुँचा। जॉयस किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि हाँ, हो सकता है कि विल जल्दी स्कूल चला गया होगा। हमें यहाँ पे शहर का पुलिस वाला दिखाया जाता है, जिसका नाम हॉपर था। हॉपर अकेला रहता है और उसके लाइफ स्टाइल से लग रहा था कि बस वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को निकाल रहा है। हॉपर मंडे के दिन नहा धोकर आराम से पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी उसे जॉयस के बारे में बताती है कि जॉयस का बेटा विल गुम हो गया है, शायद आपको उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन हॉपर इस बात को सीरियस नहीं लेता है। जैसे ही हॉपर अपने केबिन के अंदर पहुंचता है तो वहां उसे जॉयस मिलती है, जो कि हद से ज्यादा परेशान थी, और वो हॉपर से कहती है कि मेरा बेटा गुम हो गया है। हॉपर कहता है वो अपने दोस्त के साथ होगा, उसकी यही उम्र है, तुम इन चीजों की टेंशन मत लो, वो जल्द ही घर में वापस आ जाएगा। जॉयस कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे हर कोई चिढ़ाता है, उसके कपड़ों पे मजाक उड़ाता है, उसे बुली करने में कोई पीछे नहीं रहता, वो ऐसा लड़का नहीं है कि इधर उधर चला जाएगा। हमें बाकी तीन बच्चों की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि माइक, ल्यूकस और डस्टिन अपने स्कूल की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि विल आज घर क्यों नहीं पहुंचा, और घर पहुंचा तो वापस क्यों नहीं आया। दूसरी क्लास के बच्चे इन तीनों को भी बुली करते हैं, लेकिन ये तीनों इन्हें इग्नोर करके ज्यादा नहीं सोचते। साथ ही साथ हम यहाँ पे माइक की एल्डर सिस्टर नैन्सी को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा के साथ थी। ये दोनों मिलके एक लड़के स्टीव के बारे में बात करते हैं। बारबरा को पहले ही पता था कि नैन्सी से स्टीव जरूर मिलेगा, और नैन्सी को तभी अपने लॉकर के अंदर एक चिट मिलती है कि स्टीव उसे बाथरूम में मिलना चाहता है। स्टीव को यहाँ पे नैन्सी से मिलना था, इसी कारण वो नैन्सी को बोल के जाता है कि या तो तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, या फिर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नैन्सी कहती है कि ये सब मेरे घर पे अलाउड नहीं है, मैं कहीं मिलने नहीं आ सकती हूँ, और ऊपर से कल एग्जाम भी है, मुझे बस उसी की स्टडी करनी है। स्टीव कहता है कि हम दोनों मिलकर स्टडी भी करेंगे। यहाँ पर हमें इन बच्चों के साइंस टीचर दिखाए जाते हैं। पूरी क्लास इन साइंस टीचर से अटैच नहीं थी, लेकिन माइक, ल्यूकस और डस्टिन हमेशा से ही अपने टीचर से बहुत अटैच थे। इनके टीचर ने इनके लिए एक डिवाइस भी तैयार किया था,
ऐसा डिवाइस जिससे कि वो काफी दूर से भी कम्युनिकेट कर सकें, यानी कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। यहाँ पे विल की मॉम ने होपर को बताया था कि उनके बेटा की उसके तीन बेस्ट फ्रेंड हैं। होपर को लगता है कि इन तीनों बेस्ट फ्रेंड से बातचीत करना सही रहेगा, इसी कारण वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाके इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले आता है। बच्चे यहाँ पे एक साथ तीनों स्टार्ट हो जाते हैं। सभी का आंसर कलेश कर रहे थे और ये तीनों शोर मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता था कि आखिर 8 बजे के बाद जब ये लोग अलग अलग हुए तो विल कहाँ पे गया। इन तीनों को ये तो समझ आ चुका था कि इनका दोस्त मिल नहीं रहा है, इसी कारण वो होपर को कहते हैं कि हम हमारे दोस्त को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन होपर इन बच्चों को कहता है कि तुम्हें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना है और साथ ही साथ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कोई हरकत मत करना। हमें यहाँ पे वही साइंस लैब दिखाई जाती है जिसके अंदर 4 से 5 साइंटिस्ट भी आए थे। इस साइंस लैब के एक पोर्शन को सील किया गया है और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इन्फेक्शन ज्यादा न फैल जाए, इसी कारण इसे पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। इसमें से कुछ लोग स्पेशल सूट पहन के आगे की तरफ बढ़ते हैं, लिफ्ट से नीचे आते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर ये लोग कुछ देखते हैं। ये कुछ स्टिकी सेल्स जैसे दिख रहे थे। वॉल के अंदर एक होल भी हो रहा था जिसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तो आखिर ये किस टाइप के सेल्स थे? यहाँ पर एक साइंटिस्ट लड़की के बारे में भी पूछता है कि लड़की आखिर कहाँ गई होगी। जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी अब हमें वही दिखाई जाती है। लड़की को पेशेंट के कपड़े पहना रखे थे और इस छोटी बच्ची के बाल भी पूरे ट्रिम कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़की उस लैब से भाग गई है। भाग के वो एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाती है जहां पे उसे खाने के लिए प्राइज मिलते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का ओनर इस लड़की को देख लेता है और पकड़ के बिठा देता है। अब ओनर को इस लड़की की हालत देख के समझ आ गया था कि इस बच्चे के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, तो वो उसे बिठाता है और वापस से खाने के लिए चीजें दे देता है और उसके बाद में पूछना शुरू करता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। लेकिन ये लड़की कुछ भी नहीं बताती, इसी कारण ओनर उसका बर्गर ले लेता है और अब पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हाथ पे बने नंबर को देख के ओनर पूछता है कि 11 क्या है। तभी बच्ची अपनी तरफ इशारा करती है और इसका मतलब था कि इस बच्ची का नाम 11 है। अब वही बर्गर शॉप का ओनर सोशल वर्कर्स को कॉल करता है ताकि वो लोग आके इस बच्ची को सही जगह पर अपने साथ ले जाएं। अब हमें यहाँ पर सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है। एक फैन था जो कि काफी ज्यादा आवाज कर रहा था। 11 उसकी तरफ देखती है और एक ही सेकंड के अंदर वो फैन रुक जाता है, यानी कि 11 के अंदर पावर्स थी, ऐसी पावर्स कि वो अपने माइंड से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। होपर जॉयस के पास आता है लेकिन अब तक भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और अब वो रात को भी जंगलों में सब एक साथ निकलते हैं विल को ढूंढने के लिए। यहाँ पे विल के तीन दोस्त भी आपस में सोचते हैं कि विल की मदद के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा, उसे हम ढूंढ लेंगे। माइक जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे स्टीव दिखाई देता है जो कि उसकी बहन के विंडो के ऊपर चढ़ने वाला था। यहाँ पर नैन्सी को समझ नहीं आता कि स्टीव आखिर इस टाइम पे क्यों आया है। स्टीव और नैन्सी आपस में बात करने लगते हैं और तभी स्टडी करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्लोजर्स भी बढ़ने लगती है। 11 बर्गर ओनर के ऊपर बिलीव करने लगती है और इस ओनर ने 11 को आइसक्रीम दे दी खाने के लिए और बातों ही बातों में 11 स्माइल भी करती है। तभी वहाँ पे कोई दरवाजा नॉक करता है और एंट्री होती है सोशल वर्कर्स की। ओनर कहता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी आवाज कुछ पतली पतली लग रही है। बात तो मुझसे किसी और ने की थी, लेकिन वो सोशल वर्कर कहता है कि हम इस बच्चे को टाइम से अच्छी जगह पर ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही सारे लोग अंदर आते हैं तभी एक लेडी इस बर्गर ओनर को शूट कर देती है। 11 वहाँ से खुद की जान बचाने के लिए भागने लगती है लेकिन पीछे से कोई उसका रास्ता रोक लेता है। जब वापस से हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि लैब के अंदर भी गया था, तो वो अपनी आंखों से देखता है कि 11 दो गार्ड्स के मार के उस दरवाजे से भाग चुकी है। जिसके बाद हम माइक, डस्टिन और ल्यूकस को देखते हैं। वो विल को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। बारिश होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते जाते हैं। बारिश तेज होती जाती है, तभी ये लोग आपस में एक दूसरे को रोकते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने आवाज सुनी कोई, और इनके सामने 11 खड़ी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉयस और जोनाथन पे। ये आपस में विल को याद करते हुए रो रहे थे कि काश अगर ये दोनों विल के साथ होते तो विल आज कहीं गायब नहीं होता। इनके घर के टेलीफोन पे एक कॉल आता है। जॉयस उस कॉल को उठाती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा डिस्टरबेंस की आवाज आने लगती है और कुछ सांसों की आवाजें भी, लेकिन साथ ही साथ किसी क्रीचर के किसी चीज को क्रश करने की भी आवाज आती है, जैसे कि कोई किसी को मार रहा है। ये सारी चीजें सुन के जॉयस कहती है कि ये मेरे बेटे की आवाज है, ये उसकी सांसों की आवाज है, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तभी इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक आके उस पूरे फोन को खराब कर देता है। उस शॉक के कारण जॉयस के हाथ से भी फोन नीचे गिर जाता है। जॉयस और जोनाथन उस नंबर पर वापस कॉल लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉल नहीं लगता। इधर ये तीनों माइक के घर 11 को ले जाते हैं। 11 बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। डस्टिन और ल्यूकस माइक से लड़ते हैं
और उसे कहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स को 11 के बारे में पता चल गया तो सबको बहुत बुरी डांट पड़ेगी। माइक अपने दोस्तों को कहता है कि मैं कल 11 को घर से बाहर निकाल दूंगा। वो घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाएगी और तभी मॉम दरवाजा खोलेंगी और 11 मदद के लिए बोलेगी तो उसे अपने पास रख लेंगी। कल सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज रात के लिए हमें उसे यहीं पर रख लेते हैं। 11 इतनी ज्यादा इनोसेंट थी कि माइक के कपड़े देने पर वो वहीं पर चेंज करने वाली थी, और इन तीनों बच्चों को ये समझ नहीं आता कि 11 चीजों को भी क्यों नहीं समझ पा रही है। माइक के नाम पूछने पर 11 अपना हाथ दिखाती है। माइक पूछता है कि आखिर तुम क्यों डर रही हुई हो, तुम्हें आखिर किससे डर है, तुम किससे भाग रही हो। 11 कुछ भी नहीं बताती लेकिन बोलती है बुरे लोग। माइक समझ जाता है कि कुछ बुरे लोग हैं जो कि 11 के पीछे पड़े हैं, और अगर माइक अपनी मॉम को बता देगा इन लोगों के बारे में तो 11 भी खतरे में रहेगी, और शायद ये बुरे लोग 11 को मार भी दें जान से। जॉयस के पास जितने भी पैसे थे वो पैसे अपने बेटे जॉन को देती है ताकि वो फोटोकॉपी करा सके और हर जगह अपने बेटे के गुमशुदा होने के पेपर लगा सके। हॉपर यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि कल रात जो जॉयस के पास कॉल आया था उसके बारे में जॉयस हूपर से बात करना चाहती थी। हॉपर कहता है कि शहर के अंदर बारिश आती रहती है, अगर कोई पावर कट हो गया हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन हुआ हो तो फिर फोन खराब होना आम बात है, लेकिन जॉयस बात नहीं मानती और कहती है कि मेरे बेटे की ही आवाज़ थी, उसे मैं सुन सकती हूँ। हॉपर जॉयस को और उसके बेटे को समझाता है हमें लोनी के पास जाना चाहिए, यानी कि जॉयस का एक्स हस्बैंड। 99% केसेस के अंदर ये होता है कि बच्चा अगर गायब हो गया है तो उसे उसका कोई रिलेटिव ही ले जा सकता है। जॉन होपर को कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, अगर विल डरा हुआ होगा तो उसे लाने में आसानी रहेगी, लेकिन हॉपर उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। यहाँ माइक 11 के लिए टेक पास लेकर आता है और उसे घर के बाहर जाने के लिए कहता है कि तुम बाहर जाओ और मेरी मम तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन 11 बाहर जाने से साफ मना कर देती है और बुरी तरीके से डर जाती है। इसी कारण माइक कहता है कि तुम यहीं पर छुपी रहना, मैं वापस आऊंगा यहाँ पर। हमें पता चलता है कि इस साइंस लैब का हेड इस शहर की सारी फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहा था, इसी कारण उसके पास जॉयस का भी कॉल रिकॉर्ड आ गया था, यानी कि जॉयस का बेटा विल इस शहर से गायब है। पुलिस वालों की पूरी सर्च टीम फॉरेस्ट में डेली जाया करती थी और विल को जोर जोर से आवाज देके बुलाने लगती है। यहाँ पर स्कूल के अंदर स्टीव नैन्सी को कहता है कि आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसका मतलब साफ था कि ये लोग आपस में पार्टी करना चाहते हैं। नैन्सी जॉन को देखती है और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो सॉरी फील कर रही थी विल के गुम हो जाने पर। यहाँ क्लासरूम में डस्टिन और ल्यूकस कहते हैं कि आज माइक स्कूल क्यों नहीं आया, या तो उसकी मम्मी को पता चल गया है कि घर के अंदर एक लड़की छिपी हुई है, या फिर वो विल को ढूंढने के लिए अकेले ही चला गया है। यहाँ हम माइक को देखते हैं जो कि 11 को पूरे घर के अंदर घुमाता है और अपने घर वालों की पिक्चर्स भी दिखाता है और सोफे के ऊपर भी बिठाता है। जॉन को अपने भाई के साथ बीते हुए कुछ टाइम याद आते हैं कि कैसे वो अपने भाई के साथ रॉक म्यूजिक सुना करता था। जॉय जिस मॉल के अंदर काम किया करती थी उसी मॉल के अंदर जाकर वो एक टेलीफोन परचेस करने की कोशिश करती है, जहां अकाउंटेंट जॉयस को ये देने से पहले तो मना करता है। तो अब जॉयस गुस्सा करती है कि पिछले 10 साल से मैं यहां पर काम कर रही हूं, एक दिन की भी सीक लीव नहीं ली मैंने, और आज आप लोग मुझे एडवांस देने से मना कर रहे हैं। जिसके बाद जॉयस वहां से 2 वीक का एडवांस और साथ में टेलीफोन्स भी ले जाती है। यहां हम देखते हैं कि विल के घर पर जब कोई नहीं था तो एक पूरी की पूरी सर्च टीम आती है, और ये सारी सर्च टीम उसी साइंस लैब से आई थी। ये लोग बैकयार्ड के अंदर भी जाते हैं और इन्हें वहां पर कुछ न कुछ चीजें महसूस होती हैं। 11 यहां माइक के साथ उसके दोस्तों की फोटो देखकर विल को पहचान जाती है और विल के ऊपर फिंगर करती है। इतनी देर में माइक को पता चलता है कि मॉम घर पर आने वाली हैं। इसी कारण माइक 11 को एक अलमारी में छुपा देता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्दी आऊंगा। तभी हमें इस अंधेरे से 11 का एक पार्ट सीन दिखाया जाता है कि कैसे 11 जोर जोर से चिल्ला रही थी और साथ ही साथ में पापा कहती है, और वो साइंस हेड जिसे कि वो पापा कह रही थी वो 11 की कोई भी हेल्प नहीं करता और उसे एक बंद कमरे में रख दिया जाता है। तो आखिर 11 के साथ ये सब क्या हो रहा था, उसे क्यों साइंस लैब में रखा गया था और उसके ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। यहाँ माइक की मॉम जब आगे पूछती हैं कि तुम आखिर स्कूल क्यों नहीं गए तो माइक बहाना बना देता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। माइक जब ऊपर जाकर 11 को देखता है तो पूछता है कि तुम आखिर रो क्यों रही थी, तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ जॉयस अपने घर के अंदर वापस नया टेलीफोन लगाती है और उसे अपनी गोद में रख लेती है कि इस बार अगर विल का फोन आएगा तो वो जरूर पूछेगा कि बेटा तुम कहां पर हो। यहां पर पुलिस वाले मिलकर एक छोटे तालाब का भी सर्च आउट करते हैं कि कहीं बच्चे को किसी ने मार तो नहीं दिया, लेकिन यहां भी उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। हॉपर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी रेस्टोरेंट में जल्दी पहुंचे। हॉपर वहां जाकर देखता है
तो हमें वही ओनर मिलता है जिसके पास 11 गई थी। साइंस लैब वालों ने इस ओनर को मारा था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि मानो उसने खुदकुशी की हो। ये ओनर हॉपर का बेस्ट फ्रेंड था, इसी वजह से हॉपर उसका नेचर जानता था। वो ये भी जानता था कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। जॉन यहाँ पर अपने फादर के पास पहुँचता है और उसके बाद वो विल के गुम होने के बारे में बताता है। और दूसरी तरफ डस्टिन और ल्यूकस जब माइक के घर के अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए, तो यहाँ पता चलता है कि अभी तक भी माइक ने 11 को नहीं भेजा है। डस्टिन और ल्यूकस कहते हैं कि हम इस परेशानी को और नहीं झेलने वाले, इससे पूछना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है, यहाँ पर कैसे आई है, और ये तुम नहीं बताते हो तो हम तुम्हारी मॉम को बता देंगे। जैसे ही डस्टिन और ल्यूकस आगे बढ़ते हैं, तब 11 अपने पावर से बार बार दरवाजा बंद कर देती है और साथ ही साथ लॉक भी कर देती है कि बाहर मत जाओ। यहाँ लोनी जॉन को कहता है कि तुम अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा और साथ ही साथ अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन जॉन अपनी मॉम को छोड़ने से मना कर देता है। इंदर हॉपर रेस्टोरेंट के ओनर के दोस्त से बात करता है और कहता है कि आखिर वो रेस्टोरेंट का ओनर कुछ डिस्टर्ब लग रहा था क्या। तो ओनर का फ्रेंड कहता है कि नहीं, वो बहुत खुश था, उसके बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हॉपर पूछता है कि क्या रेस्टोरेंट के अंदर उसे कोई धमकाने वाले आए थे। आदमी बोलता है कि नहीं, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था, लेकिन कल तक उसके रेस्टोरेंट में एक बच्चा था जो कि इसका खाना चुरा रहा था। हॉपर बच्चे का नाम सुनते ही कहता है कि क्या वो बच्चा विल था। तो आखिर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, जॉयस के बेटे को तो मैं जानता हूँ। हॉपर के आदमी इस आदमी को विल का फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन ये आदमी कहता है कि मैंने उस बच्चे का चेहरा ढंग से नहीं देखा, हो सकता है कि वो विल हो। यहाँ पर नैन्सी रात में डिनर टेबल पर कहती है कि हम सब विल के लिए स्कूल में इकट्ठे होने वाले हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। विल की मॉम कहती है कि तुम अपने भाई माइक को अपने साथ ले जाओ, लेकिन वहाँ पर माइक डस्टिन और ल्यूकस एक साथ मना करते हैं कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। ये इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि घर के अंदर तो 11 है। पुलिस की सर्च टीम जब रात में फिर से जंगल को ढूंढ रही थी तो उन्हें एक बड़ा सा पाइप दिखाई देता है और साथ ही साथ फटा हुए कपड़े का टुकड़ा भी दिखाई देता है। हो सकता है कि ये वहाँ से आता हो और कहीं दूसरी तरफ निकल गया हो, लेकिन दूसरी तरफ वही साइंस लैब थी। यहाँ पर डस्टिन और ल्यूकस भी 11 के साथ में अच्छे से बात कर रहे थे और कहते हैं कि हमें पहले तुम्हारी पावर के बारे में पता नहीं था। माइक कहता है कि हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, 11 बहुत बड़ा नाम है, आज से हम इसे एल कहेंगे। दूसरी तरफ नैन्सी और बारबरा स्टीव के घर पहुंचते हैं। बारबरा समझाती है कि स्टीव सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन नैन्सी इन बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी तो कर रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना। हॉपर के पास में पहली बार इतना बड़ा केस आया था, इसी वजह से वो कई रातों से सो नहीं पाता। माइक डस्टिन और ल्यूकस से पूछता है कि क्या अगर तुम विल को जानती हो तो तुमने उसे कहाँ देखा है। तो 11 यहाँ पर गेम बोर्ड को पलट देती है और उसके बाद में पहले एक छोटा सा स्टैचू रखती है। बच्चे पूछते हैं एल से कि आखिर विल कहाँ गया है, क्या वो किसी से छुप रहा है। तभी एल उस गेम बोर्ड के ऊपर एक डमी गॉड का टॉय रखती है। ये टॉय सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जॉन को देखते हैं जो कि रात में एक कैमरा लेकर फॉरेस्ट में पिक्चर क्लिक कर रहा था कि शायद उसे अपने भाई विल के बारे में कुछ चीजें पता चल जाएं। जहाँ स्टीव के घर में सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, ये लोग ड्रिंक करते हैं और तभी बारबरा भी कहती है कि मैं अभी चीज को ट्राई करती हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर बारबरा के हाथ में कट लग जाता है, इसी कारण वो अंदर की तरफ चली जाती है और ये सब लोग मिलकर पूल पार्टी करते हैं। इन सारी चीजों की जॉन पिक्चर ले रहा था। यहाँ पर फिर रात में जॉयस के पास में कॉल आता है और ये कॉल विल का ही था और वो बार बार मॉम कह रहा होता है। जॉयस समझ नहीं पाती कि आखिर विल कहाँ पर है और वो किस चीज से डर रहा है और आखिर वो कहाँ छुप रहा है। तभी फिर से किसी क्रीचर की आवाज आती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और एक शॉर्ट सर्किट के कारण इस बार भी टेलीफोन खराब हो जाता है। तभी घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है और लाइट्स को फॉलो करते हुए जॉयस आगे बढ़ती है और सीधा विल के रूम तक पहुंच जाती है और वहां की लाइट्स भी ब्लिंक कर रही थी, लेकिन तभी जॉयस वहीं की दीवार के आगे तरफ बढ़ने लगती है। जॉयस बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग कर कार में आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी सारी लाइट्स ब्लिंक करना बंद कर देती हैं। यहां कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस घर के अंदर कौन है और अगर विल है तो वो क्या बताना चाहता है। जॉयस वापस घर के अंदर जाती है चीजों को वापस चेक करने के लिए। इधर बारबरा नैन्सी को वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन नैन्सी बारबरा को कहती है कि तुम अकेली घर चली जाओ, मैं स्टीव के साथ आ जाऊंगी। नैन्सी और स्टीव की क्लोजनेस को ज्यादा बढ़ जाती है और इन सारी चीजों को जॉन कैप्चर कर रहा था। बारबरा यहाँ पर पूल के ऊपर अकेली बैठी थी, जब उसके हाथ में कट लगा था तो उसमें से ब्लड निकल रहा था और उस ब्लड के कुछ बूंदे पूल के अंदर गिर जाते हैं
और तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आता है पीछे से और उसके बाद में बारबरा भी गायब हो जाती है। जॉन उस टाइम पर रील बदल रहा था और उसने वो सीन नहीं देखा था। तो क्या बारबरा को भी किसी ने मार दिया है या फिर वो भी किसी दूसरी दुनिया में गायब हो गई है। अब हम बारबरा को देखते हैं उसी जगह। इस जगह को देख के पता चलता है कि ये तो पूल ही है लेकिन यहाँ पे पानी नहीं भरा है। ये हमारी दुनिया जैसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि किसी और दुनिया जैसा ही है। यहाँ पे अलग अलग चीजें हवा में उड़ रही थी, हर जगह अंधेरा था, दीवारों पे किसी मॉन्स्टर ने कब्जा कर रखा था। जैसा कि पेड़ की शाखाएं होती हैं, जैसा कि रूट्स होती हैं, वैसा ही इस पूरे स्विमिंग पूल को कवर किया गया था। बारबरा यहाँ पे बार बार चिल्लाने की कोशिश करती है और नैन्सी को आवाज देने की कोशिश करती है लेकिन नैन्सी उस टाइम पे स्टीव के पास थी। यहाँ से बारबरा खुद की जान बचा के ऊपर की तरफ भी चढ़ती है लेकिन तभी वहाँ से उसका कोई पैर नीचे खींचता है और वहाँ से बारबरा गायब हो जाती है। अब उसका क्या हुआ, वो मर गई क्या या फिर उसे वापस से किसी और दुनिया में पहुँचा दिया गया है, ये हमें आगे पता चल जाएगा। सुबह उठने के बाद नैन्सी अपने घर की तरफ निकलती है। नैन्सी बारबरा को ढूंढती भी है लेकिन घर में नहीं मिलने के कारण वो अकेली ही अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी वहाँ पे उसे उसकी मॉम रोक लेती है और पूछती है कि तुम आखिर पूरी रात कहाँ थी। नैन्सी बहाना बना देती है कि दोस्तों के साथ जब वो स्टडी कर रही थी तो रात में सब खाने पीने के लिए निकल गए थे और आते आते इन सबको टाइम लग गया। जिसके बाद हम यहाँ पे जॉन को देखते हैं जो कि नींद से उठते ही सबसे पहले अपनी मॉम की तरफ भागता है कि आखिर उनकी तबीयत कैसी होगी। जहाँ पे हम जॉयस को देखते हैं कि जॉयस ने अपने पूरे घर के लैंप इकट्ठे करके अपने सामने रख रखे थे। जॉन के पूछने पर जॉयस बताती है कि विल उससे कम्युनिकेट करता है और वो उससे बात करता है। जॉन को लगता है कि इसके मॉम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है इसलिए उन्हें थोड़ा सा सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पे माइक, डस्टिन और लूकस को देखते हैं जो कि अपने दोस्त विल को ढूंढने के लिए अलग अलग सामान लेकर आए थे और साथ ही साथ एल को भी पूछते हैं कि आखिर उन्हें विल कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ये बच्चे डमी गॉड के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि विल को डमी गॉड ही ले गया हो लेकिन आपस में ये बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये बस गेम है, ऐसा असलियत में नहीं हो सकता। जाने से पहले माइक एल को बता के जाता है कि तुम्हें 3 बजे हमारे घर के बाहर एक जगह है, वहाँ पर मिलना है। एल को टाइम देखना नहीं आता था इसीलिए माइक उसे अपनी वॉच दे के जाता है और कहता है कि बस टाइम से पहुंच जाना, हमें विल को ढूंढने के लिए जाना है। यहाँ पे नैन्सी स्कूल में पहुंचती है जहाँ पे वो स्टीव से भी बारबरा के बारे में पूछती है कि तुमने क्या उसे देखा था। तो स्टीव कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्लासरूम में जाने के बाद भी नैन्सी को बारबरा नहीं मिलती। साथ ही साथ अब हम हॉपर को देखते हैं जिसने अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि एक पाइप का दूसरा सिरा उस साइंस लैब के अंदर खुलता है। इसी कारण हॉपर अपने 2 आदमियों को ले गए साइंस लैब के अंदर पहुंचता है लेकिन वहां का गार्ड हॉपर को अंदर जाने नहीं देता और कहता है कि पहले आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी। हॉपर गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि ये बच्चे की बात है, हमें पता चला है कि वो अंदर मिलेगा लेकिन बस ये हमारा काम है। दूसरी तरफ एल माइक के पूरे घर में घूमती है, उसे अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। एल ने उस टाइम पे टीवी ऑन किया था जहाँ पे उसे एक कोक कैन दिखाई दी थी। इसी के साथ हम एल के पास में पहुँच जाते हैं। एल को कुछ चीजें देख के उसके एक्सपेरिमेंट याद आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एल को एक एक्सपेरिमेंट लैब में रखा गया था, उसके सर पर काफी सारे वायर कनेक्टेड किए गए थे ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाए कि जब वो अपने पावर्स का यूज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। एल के पास ऐसी पावर थी कि वो चीजों को बिल्कुल क्रश कर सके। एल ने अपनी पावर से एक कोक के कैन को क्रश कर दिया लेकिन तभी उसके नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ यहाँ पे जॉयस अपने घर के अंदर काफी सारी लाइट्स लगा चुकी थी लेकिन कुछ लाइट्स कम पड़ने के बाद वो सीधा मॉल के अंदर पहुँची और काफी सारी लाइट्स परचेज कर लेती है। यहाँ पे हॉपर साइंस लैब के मैनेजर से बातचीत करता है कि आखिर यहाँ पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये जगह कब से है, क्या आपने किसी बच्चे को यहाँ देखा है यहाँ से भागते हुए, और अगर यहाँ पे कैमरे हैं तो हमें उन्हें चेक करना पड़ेगा। हॉपर को कुछ फुटेज दिखाई जाती है लेकिन उसके अंदर कोई भी बच्चा यहाँ से भागा नहीं था और फिर कोई बच्चा उस पाइप के अंदर आया भी नहीं था। हॉपर बाहर निकलने के बाद अपने ऑफिसर को कहता है कि क्या तुमने कोई बात नोटिस की। जिस रात विल गायब हुआ था उस रात को काफी तेज तूफान था और उसके 2 दिन तक लगातार तूफान चला था लेकिन इन लोगों ने जो वीडियो हमें दिखाई है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई तूफान नहीं है, यानी कि इन लोगों ने हमें झूठ बोला है। यहाँ पे कोई न कोई चीज तो ऐसी है जो हमसे छुपाई जा रही है। हम यहाँ पे इस रिसर्च टीम के हेड को देखते हैं जो कि अपने लैब के अंदर उसी पोर्शन में था जहाँ पे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ था और यहाँ पे इस चीज का एस्टिमेट लगाने के लिए एक मशीन भी नीचे उतारी गई। यहाँ एल घूमती घूमती नैन्सी के कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पे काफी सारे पिक्चर्स में एल को बारबरा की भी पिक्चर्स दिखाई देती है और एल उसे बस घूरती ही रहती है। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये भी था कि एल ने बारबरा को भी दूसरी दुनिया में देखा हुआ है। नैन्सी को अब यहाँ पे स्टीव के ग्रुप के साथ में बैठना पड़ता है। उसे हालांकि ये लोग पसंद नहीं थे लेकिन फिर भी स्टीव के साथ रहने के कारण
वह इन लोगों के साथ रहती थी। ये लोग हर समय किसी न किसी का मजाक उड़ाया करते थे। जहां माइक डस्टिन और ल्यूकस अपने स्कूल से बाहर निकलने वाले थे, तभी उन्हें वापस से दो सिंगर मिल जाते हैं जो कि माइक को वहां पे साइकिल से गिरा देते हैं। यहां हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के अंदर उसी रूम में था जहां पे वो कैमरे के रील्स को प्रिंट कर सकता था। यहां पे वो उन सारी पिक्चर्स को प्रिंट कर रहा था जो कि जॉन ने स्टीव के घर पे क्लिक करी थी। स्टीव के ग्रुप की एक लड़की जॉन को ये करते हुए देख लेती है और इधर जॉयस पूरे घर के अंदर लाइट्स लगा चुकी थी। तभी वहाँ पे माइक की मॉम अपनी छोटी बेटी को लेकर आती हैं। माइक की मॉम यहाँ पे जॉयस से मिलने आई थी और उनका हालचाल पूछने आई थी। दूसरी तरफ हम हॉपर को देखते हैं जो कि अपने इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट लेता जा रहा था और चीजों को जानने की कोशिश कर रहा था। 1984 की यह सीरीज हमें बताती है कि इस टाइम पे इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, इसी कारण इन्हें लाइब्रेरी में जाना पड़ता। लाइब्रेरियन से हॉपर कहता है कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए और साथ ही साथ उस दिन की कुछ पोस्ट भी चाहिए। हॉपर अपने ऑफिसर और इस लाइब्रेरियन के साथ बैठ के विल के गुम होने वाले दिन के सारे पोस्ट और साथ ही साथ साइंस लैब के बारे में भी रिसर्च करता है। हॉपर को पता चलता है कि साइंस लैब में काफी सारे पहले भी घपले हो चुके हैं। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि कई बार बैन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चोरी छुपे साइंस लैब के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, खासकर बच्चों के ऊपर। यहाँ पर माइक की मॉम जॉयस से दूसरी बातें करने लगती हैं ताकि जॉयस का कहीं दूसरी तरफ मन लग सके। तभी हम देखते हैं कि ये छोटी बच्ची लाइट्स को ब्लिंक करता हुआ देखती है और इन्हें फॉलो करते हुए सीधा विल के कमरे में पहुंच जाती है जहां पर काफी सारे लैंप थे और वो एक साथ ब्लिंक कर रहे थे। ये छोटी बच्ची यहां से डर के नहीं जाती। तभी हम देखते हैं कि इस कमरे की दीवार आगे बढ़ रही है, जैसा कि पहले जॉयस ने भी देखा था कि इस दीवार से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम भी दीवार के उस पार का मॉन्स्टर यहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी जॉयस और माइक का ध्यान पड़ता है कि बच्ची यहां से गायब है। ये दोनों भागते हैं और बच्चे को सीधा गोद ले लेते हैं। जॉयस यहाँ पे बच्ची से पूछने की कोशिश करती है कि बताओ अंदर आखिर कौन कौन था। बच्ची बोलने वाली थी, लेकिन तभी माइक की मॉम थोड़ी डर जाती है कि जॉयस आखिर पूरी तरीके से पागल ना हो जाए। जॉयस यहाँ पे माइक की मॉम और इस बच्ची को घर से बाहर भेज देती है कि अब तुम्हें शायद अपने घर चले जाना चाहिए। यहाँ नैन्सी बारबरा की मॉम को कॉल लगाती है कि क्या रात को वो घर पहुँच गई थी। तो बारबरा की मॉम कहती है वो तो तुम्हारे साथ में थी। नैन्सी झूठ मूठ बोलकर कह देती है हाँ वो तो यहीं पे आसपास है, मैं शायद उससे बात करना भूल गई होगी। यहाँ हम स्टीव और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि जॉन को जाते हुए पकड़ लेते हैं। जब तक यहाँ पे नैन्सी भी आ चुकी थी और पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तब यहाँ पे जॉन के बैग के अंदर वो सारी पिक्चर्स निकल जाती हैं। स्टीव जॉन को बहुत बुरा भला कहता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं घूम सकते तो तुम ऐसी हरकतें करोगे, किसी की भी बिना पूछे पिक्चर्स क्लिक करोगे। नैन्सी यहाँ पे जॉन से पूछना चाहती थी कि आखिर तुमने उस टाइम बारबरा को देखा था, लेकिन तभी वहाँ पे स्टीव इन पिक्चर्स को फाड़ देता है और साथ ही साथ जॉन का डीएल भी तोड़ देता है। नैन्सी उस टाइम पे बारबरा की पिक्चर्स उठा के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एल को देखते हैं जिसे कि माइक ने बोला था कि 3 बजे हमारे घर के पीछे मिलना, और तभी एल को यहाँ पे वापस से अपने एक पास का एक्सपेरिमेंट याद आता है। यहाँ पे उसके सामने वही साइंस लैब का हेड खड़ा था। एल उसे पापा कहा करती थी। एल के सामने एक कैट थी और शायद उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कहा गया था कि उसकी पावर्स है उसे उस बिल्ली को मारना है, लेकिन एल ऐसा नहीं कर पाई। पनिशमेंट के कारण एल को अंधेरे रूम के अंदर लेके जाया जा रहा था, लेकिन एल इस बार इनसे कुछ ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तो वो गार्ड्स को अपनी पावर से नीचे गिरा देती है, दरवाजा खोलती है और अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों गार्ड को वहीं पे जान से मार देती है। लेकिन इतनी पावर यूज करने के बाद एल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, उसकी नाक में से और कान में से ब्लड आने लगता है। और तभी वो साइंस लैब का हेड वहाँ आता है और एल को कहता है कि तुम बहुत बड़ी नायाब चीज हो, तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। इस टाइम तक यहाँ माइक डस्टिन और ल्यूकस आ जाते हैं जो कि एल को अपने साथ ले जाते हैं। इधर नैन्सी स्टीव के ग्रुप के साथ बैठी थी, लेकिन नैन्सी को लगता है कि शायद बारबरा कहीं सही जगह पे नहीं है, उसे जरूर उसे एक बार ढूंढना चाहिए। यहाँ एल माइक डस्टिन और ल्यूकस को अपने साथ लेके जा रही थी। तब एल माइक से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने मारा। तब माइक वहाँ पे बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। नैन्सी जब स्टीव के घर पे पहुँचती है तो वहाँ वो बारबरा को ढूंढने के लिए थोड़े जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पे उसे किसी तरीके की हलचल सुनाई देती है। नैन्सी को घर के बाहर कार भी मिली थी, इसका मतलब था कि बारबरा उस जगह से गई तो नहीं है, होगी तो शायद यहीं पे आसपास। लेकिन नैन्सी जंगल में जाने के बाद बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से सीधा भाग के अपने घर आती है। और इधर जॉयस इन लाइट से पूछने लगती है कि विल मुझसे बात करो, मुझे जवाब दो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये लाइट सारी ब्लिंक होती है
और सीधा जॉयस एक वुडन अलमारी के अंदर बैठ जाती है, जहाँ पे वो काफी सारी एक लाइट्स का गुच्छा अपने हाथ में ले लेती है। जॉयस कहती है कि बेटा मैं तुमसे सवाल करूंगी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक बार ब्लिंक करना, और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम दो बार ब्लिंक करना। जॉयस पूछती है कि तुम इसी घर में हो तो एक बार लाइट ब्लिंक होती है। जॉयस पूछती है कि क्या बेटा तुम सेफ हो तो दो बार लाइट ब्लिंक होती है। इसका मतलब है कि विल कम्युनिकेट कर रहा है जॉयस से, लेकिन वो सेफ नहीं है, साथ ही साथ वो इसी घर में है। जॉयस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पूछने लगती है कि मैं तुम्हें आखिर कहाँ ढूंढूं, तुम कहाँ पे हो, मुझसे बात करने की कोशिश करो। लेकिन इतनी सारी बातों का जवाब विल नहीं दे पाता। जॉयस उसी टाइम पे अपने घर के अंदर ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट पेंट कर देती है और उन पर लाइट्स लगा देती है। दूसरी तरफ नैन्सी रोते हुए अपने घर पे पहुंचती है और वहां पे अपनी मॉम को बताती है कि बारबरा किसी मुसीबत में है, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे हॉपर के सामने बैठा ऑफिसर हॉपर को बताता है कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जिसमें एक लेडी ने कम्प्लेन की है कि उसकी बच्ची को एक दिन ले जाया गया था एक्सपेरिमेंट के नाम पे, जिसके बाद वो बच्ची हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। हॉपर कहता है कि अभी हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, बल्कि अभी हमारा मेन मुद्दा है कि आखिर ये साइंस लैब किस चीज के ऊपर रिसर्च करती है और आखिर क्या चीजें हैं जो कि वो पब्लिक नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे हॉपर को एक कॉल आता है। हॉपर अपनी पूरी टीम के साथ एक तालाब की तरफ पहुंचता है। दूसरी तरफ एल यहाँ पे माइक डस्टिन और ल्यूकस को विल के घर के बाहर ले जाती है। इसी कारण डस्टिन ल्यूकस जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ये लड़की पागल है, इसकी बातों पे तुम्हें बिलीव नहीं करना चाहिए था, ये आखिर विल का घर है और विल के घर के अंदर विल कैसे मिलेगा, वो कहीं गुम हो गया है, तभी तो हम ढूंढ रहे हैं। एल कुछ बोलो, एल कुछ बोल नहीं पाती। माइक उससे शांति से पूछता है कि बताओ आखिर तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आई हो, कोई तो रीजन होगा इस चीज का पीछे। तभी इस रास्ते से पुलिस की गाड़ियां गुजरती हैं। ये बच्चे उन पुलिस की गाड़ियों को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जॉयस वापस से अपने बेटे विल से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पे हो, तो वहाँ पे लगी एक एक अल्फाबेट पे लाइट ब्लिंक होती है। इसका मतलब था कि विल है तो इसी घर में, लेकिन आखिर वो किस जगह पे है, कौन सी डायमेंशन के अंदर है जहाँ पे वो जॉयस को देख सकता है, लेकिन हम लोग उसे नहीं देख सकते। तब जॉयस पूछती है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे बस इस बात का जवाब दे दो। तब वहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होती है, यानी कि इसका मतलब है भागो यहाँ से। और तभी जॉयस के घर की दीवार फट जाती है और उसमें से एक मॉन्स्टर निकल के आता है, जो कि बस जॉयस को मारने ही वाला था, वो किसी एलियन मॉन्स्टर इन सभी का मिला जुला रूप था। जॉयस वहाँ से काफी तेज भागती है। यहाँ पे हॉपर उस तालाब के बाहर खड़ा था जहाँ पे उसे एक न्यूज मिली थी कि इस तालाब के अंदर एक बॉडी मिली है। हॉपर चेक करता है कि ये बॉडी विल की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आखिर वो विल की मॉम जॉयस को क्या जवाब देगा। दूसरी तरफ माइक डस्टिन और ल्यूकस कहते हैं कि ये विल ही हो ही नहीं सकता, आखिर ऐसे पानी में कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे बॉडी पास आती गई, वैसे वैसे सबको बिलीव हो गया था कि ये विल की बॉडी है। माइक को होप थी कि एल शायद उसे विल तक पहुंचा देगी, लेकिन जब बॉडी मिली तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया, इसी कारण वो एल को वहीं छोड़कर अकेले घर की तरफ चला गया। यहाँ हम जॉयस को भी देखते हैं जिसे अपना बेटा जॉन रास्ते में मिल गया और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसी के साथ जब माइक अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपनी मम्मी को गले लगकर जोर जोर से रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। और तभी यहाँ पे हॉपर की गाड़ी भी जॉन और जॉयस तक पहुंचने वाली थी। घर में आकर हॉपर पूछताछ करता है और जैसा कि जॉयस ने बताया था कि उसके दीवार में कोई मॉन्स्टर निकल रहा है, लेकिन हॉपर को वो दीवार बिल्कुल सही सलामत मिलती है। जॉयस खुद को आखिर कैसे समझाती कि वो सही बोल रही है, उसने कोई झूठ नहीं बोला और ना ही वो पागल बन रही है। यहाँ पे जॉन अपनी मॉम जॉयस को समझाता है कि वो बॉडी विल की है, हमें उसे जाकर देखना चाहिए, लेकिन जॉयस इस बात पे बिलीव ही नहीं करती कि उसका बेटा मर गया है। हॉपर जॉयस को समझाता है कि तुम बस थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, आज रात सोने की कोशिश करो और बाकी बात हम कल करते हैं। हॉपर कहता है कि मेरी बेटी के मर जाने के बाद मुझे भी कई दिनों तक वो दिखाई देती थी, लेकिन अगर मैं उसी के बारे में सोचता रहता तो शायद मैं जिंदा न रह पाता। हॉपर रात में जॉयस के घर से निकल के जाने वाला था, लेकिन हॉपर को लगता है कि शायद उसे यहीं पर रुकना चाहिए, इसी वजह से वो पूरी रात कार में ही सोता है। यहाँ जॉन भी पूरी रात रोता रहता है। जॉयस इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब अगर दीवार में से कोई मॉन्स्टर निकलेगा तो वो उसे खुद ही खत्म कर देगी, इसी वजह से वो बैकयार्ड में जाती है और उसके बाद वो उस कमरे में जाती है जहाँ से विल गायब हुआ था। वहाँ से एक कुल्हाड़ी निकाल के लाती है और सोफे पे आके बैठ जाती है। यहाँ हम दूसरी तरफ माइक के मॉम और डैड को देखते हैं, जो कि अपने बेटे माइक को लेके बहुत परेशान थे, क्योंकि माइक का बेस्ट फ्रेंड विल मारा जा चुका था। यहाँ पे विल के सामने एल बैठी थी, जो कि अपने हाथ में वही वॉकी टॉकी लेके एक स्टेशन को सेट करने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पे माइक एल के ऊपर जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो, मुझे डस्टिन और ल्यूकस पे बिलीव करना चाहिए था, तुम बिल्कुल नहीं ढूंढ पाई, बल्कि आज वो मारा जा चुका है। तभी हम यहाँ पे विल के बोलने की आवाज सुनते हैं। माइक वहाँ से भाग के आता है,
इसका मतलब था कि एल ने अपनी पावर से विल तक पहुंचने की कोशिश कर ली थी और वो विल से कम्युनिकेट कर पा रही थी, लेकिन माइक की आवाज़ विल तक नहीं पहुंच पाई। माइक एल से पूछता है कि क्या आखिर विल जिंदा है, क्या वो हमको सुन सकता है और वो आखिर कहाँ है। तो एल कहती है कि वो विल ही था। तभी हम देखते हैं कि एल की नोज में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसने अपनी पावर्स का यूज किया था। जहां जॉन जॉयस को उठाता है विल की बॉडी को कंफर्म करने के लिए, इधर दूसरी तरफ माइक अपनी मॉम को स्कूल जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है। तभी वो डस्टिन और ल्यूकस को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि मुझे विल के बारे में कुछ पता चला है और ये अर्जेंट है, हम सभी को आज ही मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हॉपर भी उसी जगह पर था जहाँ पे विल की बॉडी को रखा गया था। जैसे ही यहाँ पे जॉयस और जॉन विल की बॉडी को देखते हैं तो जॉयस साफ मना कर देती है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्या मैं अपने बेटे को पहचानती नहीं हूँ। यहाँ पे जॉन जब बाहर आके बैठ जाता है तो हॉपर उससे बात करने की कोशिश करता है। जॉन कहता है कि मुझे टेंशन होने लगी है कि आखिर मेरी मॉम को क्या हो जाएगा। हॉपर समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ से जॉयस चिल्लाती हुई बाहर आती है और कहती है कि मैं इस बॉडी को वेरीफाई नहीं करूंगी, ये मेरा बेटा विल है ही नहीं, क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती हूं। और बिना कोई रिस्पांसिबिलिटी लिए और ना ही उन पेपर्स पे साइन करते हुए जॉयस वहां से बाहर निकल जाती है। जॉन बहुत गुस्से में होता है और अपनी मॉम को फॉलो करता है। दूसरी तरफ हम यहां नैन्सी को देखते हैं जो कि स्टीव से कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर पे गई थी, वहां पे मैंने बारबरा को ढूंढा लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। स्टीव को तो इस बात का टेंशन था कि अगर पुलिस वाले बारबरा को ढूंढेंगे तो स्टीव के पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि वो अपने फ्रेंड्स को घर लेके आया था। नैन्सी इस बात पे भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें इस टाइम पे अपने दोस्तों के बारे में पढ़ी है और अपने फादर की डांट के बारे में पढ़ी है, यहाँ पे बारबरा के साथ कुछ गलत हुआ है, वो गायब हो चुकी है, हमें उसे ढूंढना है। इसी के साथ में जॉन भी अपनी मॉम जॉयस को कहता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आखिर वो हमारा भाई विल है, आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुड़ सकती हैं। यहाँ पे जॉयस बार बार समझाती है कि मैं विल को महसूस कर पा रही हूँ, वो घर के अंदर ही है, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो मैंने दीवार पे इतने सारे अल्फाबेट्स लगाए हैं, विल जिंदा है और वो कहीं ना कहीं तो है। जॉन गुस्से में आगे कहता है कि आप अगर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे तो ये सब मुझे ही करना पड़ेगा, मैं अपने भाई का फ्यूनरल करूंगा। सीन चेंज होता है, माइक डस्टिन और ल्यूकस जो कि एल के सामने बैठे थे, एल काफी कोशिश करती है विल से कनेक्ट करने की लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करने के बावजूद भी विल से नहीं कनेक्ट कर पा रही थी। तब इन बच्चों को याद आता है कि शायद इन्हें और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी और ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का रेडियो इन्हें स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन आखिर ये एल को वहाँ कैसे लेके जाएंगे। इसी कारण ये नैन्सी के कपड़े और एक विग एल को पहना देते हैं जिससे कि एल अब नॉर्मल लड़की लगने लगी थी। हम यहाँ पे उसी साइंस लैब को देखते हैं जो कि कल इंस्ट्रूमेंट नीचे उतारा गया था, वो एक केबल वायर से कनेक्ट था। यहाँ पे एक साइंटिस्ट को अच्छी तरीके से कॉस्ट्यूम पहनाकर उस दरवाजे में हुए होल के अंदर भेज रहे थे जहाँ पे वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला था। इस रिसर्च टीम का हेड चाहता था कि अंदर जाके ये लोग पता लगा सकें कि आखिर अंदर की दुनिया कैसी है और वहाँ पे कौन कौन है और क्या उन्हें वो खोया हुआ बच्चा विल इसके अंदर मिल जाएगा। इस साइंटिस्ट को केबल से बांध कर दीवार से लगी हुई अजीब सी चीज के अंदर भेज दिया जाता है। क्लासरूम के अंदर नैन्सी को बुलाया जाता है। नैन्सी से इस टाइम पूछताछ की जा रही थी, ये पुलिस वाले थे। यहाँ पे नैन्सी से बारबरा के गुम हो जाने की पूछताछ की जा रही थी, लेकिन ये पुलिस वाले बारबरा के गुम हो जाने से ज्यादा इंटरेस्ट नैन्सी का स्टीव के साथ रहने पे कर रहे थे। हम देखते हैं कि हॉपर एक आदमी के साथ बैठा था, ये आदमी वही था जो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर चीरफाड़ करता है, लेकिन इस आदमी को भेज दिया गया था। जब विल की बॉडी को लाया गया तो लोग विल की बॉडी को लेके आए, उन्हीं लोगों ने विल की बॉडी का पोस्टमार्टम किया और इस आदमी को अंदर तक जाने नहीं दिया। हॉपर उस आदमी को थैंक यू बोलता है और वहां से भेज देता है। हॉपर को भी अब धीरे धीरे कुछ डाउट होने लगा था। इधर माइक डस्टिन और ल्यूकस अपने साथ में एल को स्कूल ले आए थे, ये लोग उस रूम के अंदर एंटर करने ही वाले थे जहाँ पर रेडियो रखा था कि तभी इनके साइंस टीचर आ जाते हैं जो कि इन्हें अपने साथ हॉल में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम सब लोगों ने बिल को याद करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है और तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें उसे अटेंड करना ही चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं जिसका झगड़ा उसकी मॉम से हो रहा था। यहाँ पे नैन्सी की मॉम कहती हैं कि तुम आखिर स्टीव के साथ क्या कर रही थी। नैन्सी यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क जाती है, वो कहती है कि यहाँ पे मेन कंसर्न बारबरा का है, वो गुम हो चुकी है और मुझे पता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। नैन्सी अपने कमरे में आके उस फोटोग्राफ को जोड़ने लगती है जो कि उसने फाड़ दी थी। पिक्चर जोड़ने के बाद में नैन्सी को बारबरा के पीछे एक अननोन एंटिटी दिखाई देती है और नैन्सी समझ जाती है कि एंटिटी वही है जो कि उसे स्टीव के बैकयार्ड में दिखी थी। दूसरी तरफ हम साइंस लैब का सीन देखते हैं जहाँ पे यहाँ का हेड अपने साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या तुम हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो कि अंदर क्या क्या है।
कुछ देर तक तो साइंटिस्ट की आवाज नहीं आती, लेकिन बाद में वो कहता है कि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है, अंदर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे जैसा ही कुछ दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उस साइंटिस्ट को कोई अपनी तरफ बुला रहा हो और उसे कोई मार डालने वाला हो। तभी ये हेड बोलता है कि जल्दी से केबल को अपनी तरफ खींचो। जैसे जैसे केबल को अंदर की तरफ खींचा जाने लगा, वैसे वैसे आवाजें और ज्यादा बढ़ने लगी, यानी कि उस साइंटिस्ट को मार दिया गया है। और आखिर में वो केबल फ्री होकर जब बाहर आती है तो उसके अंदर से उस साइंटिस्ट को बांधे जाने वाला इंस्ट्रूमेंट ही बाहर आता है और वो साइंटिस्ट अंदर ही रह जाता है। अब वो मर गया है या फिर वो जिंदा है, उस यूनिवर्स में गुम हो गया है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ये तो तय था कि उस दीवार के पीछे कोई दूसरा यूनिवर्स जरूर है। यहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर माइक उन्हीं लड़कों को देखता है जो कि हमेशा माइक और उसके दोस्तों को बुली किया करते थे। वो लड़के प्रिंसिपल की बातों पे हंस रहे थे, इसी कारण माइक को गुस्सा आने पर वो झगड़ा करता है कि यहाँ पे मेरे दोस्त विल को मारा गया है। और ये लड़के विल का मजाक उड़ाते हैं कि विल तो अभी दूसरी दुनिया में परियों के साथ खेल रहा होगा। माइक को गुस्सा आता है और इनमें से वो एक लड़के को धक्का दे देता है। जैसे ही वो लड़का आगे आगे माइक को मारने वाला था कि तभी वो लड़का वहीं पर रुक जाता है और ऊपर से उसकी पैंट भी गीली हो जाती है। ये सारा काम एल ने अपनी पावर से किया था। जॉन यहाँ पे अपने भाई विल के फ्यूनरल के लिए काम कर रहा था। तभी वहाँ पे नैन्सी आती है जो कि जॉन को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात को जब तुम्हारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, क्या तुम्हें पता था कि बारबरा कहाँ पे है या तुमने उसकी पिक्चर्स क्लिक की थी? तो जॉन कहता है कि मैंने जो पिक्चर क्लिक करी थी, मेरे पास वही पिक्चर है, इसके अलावा मुझे बारबरा के बारे में कुछ नहीं पता। नैन्सी कहती है क्या तुम इस पिक्चर को जूम करके वापस से प्रिंट कर सकते हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉपर पे। हॉपर एक आदमी के पास बैठा था और उससे बात करने की और फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। असल में ये वही आदमी था जिसने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि विल नाम का एक छोटा बच्चा पानी के अंदर डूब रहा है। हॉपर आकर उससे पूछना चाहता था कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बोला और विल उस पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये बात तुम्हें कैसे पता? जैसे ही इस आदमी को भनक होने लगती है कि ये पुलिस वाला है, वो वैसे ही इस जगह से भागने लगता है। हॉपर जब इस आदमी को बुरी तरीके से मारता है तभी अपना मुंह से उगलना शुरू करता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बस बोला गया था कि इस बच्चे के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिखा दो कि विल असल में मर गया है। अब यहाँ पे माइक डस्टिन ल्यूकस एल के साथ में उसी रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर रेडियो रखा था। एल उस रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ एल का हमें पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो साइंस लैब का हेड जिसे वो अपना पापा कहती थी, वो उसे क्रीचर शो करता है और कहता है कि तुम्हें बस बताना है कि ये कहाँ पर है और क्या चीजें रिपीट कर रहा है, तुम्हें इस पे फोकस करना है ताकि हम इसे ढूंढ सकें। एल अपना पूरा ध्यान लगाती है और उसके बाद हम देख पाते हैं कि काफी दूर बैठा एक आदमी जिसे एक पेपर के अंदर कुछ वर्ड्स लिख के दिए जाते थे वो रिपीट कर रहा था। वहीं कमरे के अंदर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और स्पीकर के अंदर वही आवाज आने लगती है, यानी कि एल के अंदर इतनी पावर थी कि वो कहीं और दूर बैठे इंसान की आवाज सुन सकती थी और दूसरे लोगों को भी सुन सकती थी। यहाँ पे एल जब विल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो इन लोगों को विल की आवाज तो आती है, लेकिन असल में ये विल का घर ही था। यहाँ दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जो कि फिर से अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रही थी। जॉयस को अपने बेटे की आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। जॉयस अपने बेटे को देख भी पा रही थी। विल सच में जिंदा था जो कि दीवार के अंदर था और अपनी मॉम को कह रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है, मैं आखिर क्या करूं। हम भी देख पा रहे थे कि जॉयस अपने बेटे विल को कह रही थी कि मैं तुम्हें बस यहां से निकाल लूंगी, लेकिन तुम अभी खुद की जान बचाओ, तुम बस अभी यहां से भागो। और ये सारी बात माइक डस्टिन और ल्यूकस सुन रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो विल और जॉयस को एक साथ कैसे सुन पा रहे हैं। ये सारी आवाजें जॉयस के घर से आ रही थी, तो विल आखिर जॉयस के घर में कैसे हो सकता है? तभी इस क्लासरूम के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, पूरा रेडियो मशीन जल जाती है और साथ ही साथ एल भी बहुत तरीके से इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पे आग लगने के कारण इन चारों को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। जॉयस खुद के बेटे विल को ढूंढने के लिए अपने घर की दीवार को तोड़ देती है, लेकिन घर की दीवार तोड़ने से आकर उसे कुछ नहीं मिलता, वो दूसरी दुनिया का दरवाजा तो नहीं खोल पाती ना। जिसके बाद हम जॉन और नैन्सी को देखते हैं। जॉन ने यहाँ पे उसके पिक्चर पे काम किया, यानी कि बारबरा के पीछे की एंटिटी को और जूम करके देखा। असल में अंदर ये वही क्रीचर था जो कि नैन्सी ने उस दिन फॉरेस्ट में देखा था। अब वो लड़का इन सभी लोगों को तालाब में मिला था और जिसे सब कह रहे थे कि ये लड़का विल है। इस बारे में पता लगाने के लिए हम सीधा मुर्दा घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां वो एक गार्ड को बेहोश करके उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पे बॉडी रखी थी। वो एक बॉडी को बाहर निकालता है जिसे कहा गया था कि विल की बॉडी है।
काफी हिम्मत इकट्ठी करने के बाद में हॉपर इस बॉडी के अंदर एक चीरा लगाता है, लेकिन बॉडी को खोलने के बाद असल में अंदर उसे तो कोई रूई भरी हुई मिलती है, यानी कि वो बच्चा असल बच्चा नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉम का पुतला था जिसे कि विल का नाम दिया गया था। हॉपर समझ चुका था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अब हम जॉयस को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका एक्स हस्बैंड लोनी वहां पे पहुंचा था। जॉयस उसके आते ही गले लग जाती है क्योंकि लोनी तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि उसका बेटा विल मर गया है